दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा टियागो ईव के कुछ प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि प्रोज यानी पॉजिटिव्स के बारे में। फर्स्ट है इसका अफोर्डेबल प्राइस। दोस्तों टियागो का बेस वेरिएंट आपको 8.49 लाख में मिल जाता है, जो कि एक इलेक्ट्रिक कार के हिसाब से एक इम्प्रेसिव प्राइस है। एंड ऑलरेडी कई सारे लोग सिटी ड्राइव के लिए 8 से 9 लाख की कार तो खरीदते ही हैं। एंड ऐसे कस्टमर के लिए यह ईवी कार एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। एंड रियल लाइफ में 150 से 200 किलोमीटर की रेंज सिटी में ही ऑफिस जाने के लिए या फिर डेली ट्रैवल के लिए काफी होगी। ये 8.49 लाख वाले वेरिएंट में आपको ऑटो एसी कनेक्टेड कार फीचर, रीजनरेटिव ब्रेकिंग लेवल जैसे फीचर भी आपको इस कार में देखने में मिल जाएंगे। बस इसमें म्यूजिक सिस्टम आपको बाहर से लगवाना पड़ेगा एंड उसके बाद आपके लिए एक परफेक्ट सिटी कार बन जाएगी। सेकंड प्रोज है इसका रेंज। टियागो ईवी के हाई वेरिएंट में आपको 315 किलोमीटर क्लेम रेंज मिलती है, जो कि टियागो ईवी से बहुत ही महंगी कार में एंड नेक्सॉन जैसी कार के सिमिलर रेंज में है। हाँ, आपको रियल लाइफ में 300 किलोमीटर की रेंज तो नहीं मिलेगी, बट आप इजिली 230 या 250 किलोमीटर की रियल लाइफ रेंज अचीव कर सकते हैं, जो कि टियागो ईवी के प्राइसिंग के हिसाब से बहुत ही वैल्यू फॉर मनी है। एंड ऑल्सो टियागो ईवी में फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट है, सो टियागो ईवी में 315 की रेंज सफिशियंट होगी। थर्ड प्रोज है लो रनिंग कॉस्ट। ईवी लेने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि उसमें रनिंग कॉस्ट पेट्रोल से या डीजल से बहुत ही कम होती है। फॉर एग्जाम्पल टियागो ईवी में 24 किलोवाट की बैटरी मिलती है, जिसको फुल चार्ज करने पर अप्रॉक्स 250 रुपीस लगते हैं। एंड 250 रुपीस में आप अप्रॉक्स 200 टू 230 किलोमीटर तक कार चला सकते हो। इसका मतलब आपको पर किलोमीटर 1.25 रुपीस ही कॉस्ट पड़ेगा, जहां पर सिमिलरली अगर आप टियागो पेट्रोल से कंपेयर करोगे तो उसमें आपको अप्रॉक्स 17 टू 18 किलोमीटर की एवरेज मिलेगी, तो आपको अप्रॉक्स 5 रुपीस किलोमीटर की रेंज पड़ेगी। तो आपको अप्रॉक्स 5 रुपीस किलोमीटर रनिंग कॉस्ट पड़ेगा। सो आपका डेली रनिंग अगर 50 किलोमीटर है या उससे ज्यादा है तो टियागो ईवी से आप बहुत सारी सेविंग कर सकते हो। फोर्थ प्रोज है सेफ्टी। टियागो ईवी टाटा टियागो वाले प्लेटफॉर्म पर ही बनाई गई है, जिसमें ग्लोबल एनकैप में 5 out of 4 स्टार मिले हैं। सो स्ट्रक्चर वाइज देखा जाए तो टियागो एक सेफ कार होगी। उसके सिवा टियागो ईवी में ITPS जैसे सेफ्टी फीचर भी ऐड कर दिए गए हैं, सो टियागो ईवी में आपको सेफ्टी वाइज कोई भी कंप्लेंट नहीं मिलेगी। फिफ्थ प्रोज है फीचर्स। टियागो ईवी में आपको सारे नेसेसरी फीचर देखने में मिल जाते हैं। 7 इंच की टच स्क्रीन विद एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, हार्मन के स्पीकर, क्रूज कंट्रोल, ऑटो हेडलैम्प, रेन सेंसिंग वाइपर एंड लेदरेट सीट्स। ये सारे फीचर अच्छी रेंज एंड अच्छी वारंटी के साथ भी टियागो ईवी की प्राइसिंग अफोर्डेबल रखी गई है। तो दोस्तों इस कार में आपको फीचर के लिए कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। सिक्स प्रोज की बात करें तो वो है पावर एंड एनविच लेवल। पेट्रोल टियागो या कोई भी सिमिलर हैचबैक में आपको टियागो ईवी का जितना फास्ट एक्सेलेरेशन नहीं मिलता। हाँ, बीएचपी वाइज टियागो में लॉन्ग रेंज वाली वेरिएंट में सिर्फ 74 बीएचपी का पावर ही मिलता है, बट जैसे कि पावर इलेक्ट्रिक मोटर से प्रोड्यूस हो रही है, इसमें आपको क्विक एक्सेलेरेशन भी मिलेगा, जो कि इस प्राइस रेंज में किसी भी पेट्रोल कार में अवेलेबल नहीं है। एंड पावर के साथ ही आपको कैबिन भी बहुत साइलेंट मिलेगा, बिकॉज ट्रेडिशनल इंजन ना होने की वजह से आपको कैबिन में आवाज भी नहीं आएगी। सो टियागो ईवी में आपको साइलेंट एंड पावरफुल ड्राइव एक्सपीरियंस मिलेगा। तो ये थे सारे पॉजिटिव्स। अब बात करते हैं इसके नेगेटिव्स के बारे में। पहला है रेंज टेंशन इन लोअर वेरिएंट। टियागो के लोअर वेरिएंट में आपको सिर्फ 250 किलोमीटर की रेंज क्लेम की गई है, जो कि रियल लाइफ में ज्यादा से ज्यादा 150 से 170 किलोमीटर तक ही चलेगी। सो लो रेंज वाली टियागो सिर्फ सिटी यूज के लिए ही प्रैक्टिकल है। अगर आपको सिटी के बाहर कहीं पर भी ट्रेवल करना है तो आपको इसमें रेंज की टेंशन ज्यादा रहेगी एंड रास्ते में फास्ट चार्जर देखकर प्रॉपर प्लानिंग करके ही जाना पड़ेगा। सो लो रेंज वाले वेरिएंट में आपको ऑब्वियसली रेंज की टेंशन रहेगी, अगर आप सिटी से बाहर जाने की सोच रहे हैं तो। सेकंड कौन है इसमें स्पेस। अगर आपकी फैमिली में सब लोग 6 feet की हाइट के आसपास हैं, तो फिर टियागो ईवी में आपको स्पेस का प्रॉब्लम हो सकता है, बिकॉज जैसे कि हमने पहले बताया कि ये ईवी नॉर्मल टियागो पेट्रोल के प्लेटफॉर्म पर ही बनी है एंड टियागो एक एंट्री लेवल स्मॉल हैचबैक है, सो टॉल पैसेंजर्स के लिए टियागो में प्रॉब्लम हो सकती है। एंड जैसे कि टियागो ईवी की विड्थ भी कम है, तो रियर सीट में ओनली 2 लोग ही कंफर्टेबली ट्रैवल कर पाएंगे। सो अगर आपको ज़्यादा स्पेस चाहिए तो ये टियागो ईवी आपके लिए नहीं है, फिर आपको थोड़ा पैसा खर्च करके नेक्सॉन ईवी लेनी चाहिए। तो दोस्तों ये थे टियागो ईवी के पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स। अगर आप टियागो लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आई होप आप इजीली डिसीजन ले पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड ऐसे ही गाड़ियों से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग गाड़ी ट्रेंड एंड ड्राइव सेफ।